मान लेते हैं कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, उसी समय आपके पास कोई दूसरा बंदा कॉल करता है तो आपको उसका नंबर ये सुनाई नहीं देगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। उसको आपका नंबर ये सुनाई देगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। मजा आ जाएगा इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद। आप किसी से कितना भी कॉल पे बात करेंगे लेकिन आपका नंबर कभी भी बिजी नहीं बताएगा और सामने वाला को पता नहीं चलेगा कि आप कॉल पे बात कर रहे हैं। वो कॉल करेगा फिर भी उसको पता नहीं चलेगा। ये वीडियो सबसे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो एक से ज्यादा रखते हैं। क्या रखते हैं आप तो समझ रहे हैं, इधर उधर करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ट्रिक की ओर। आपको डायलपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलिंग अकाउंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर डालना है, आपको उस नंबर को डालना है जो आपका नंबर हमेशा बंद रहता है। आप किसी भी नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको नोटिफिकेशन बार में पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन आपका ऑन हो गया। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो मैं आपको सेटिंग बताया हूँ हर एक फोन में ये सेटिंग रहता है लेकिन ऑप्शन अलग अलग तरीके से रहता है। तो आप अपने फोन में देख सकते हैं कि आपके फोन में किस तरीके से ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसको अप्लाई करने के बाद आप कॉल पे बात करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कॉल पे बात कर रहे हैं और आपका नंबर कभी बिजी नहीं बताएगा। अगर आप इसको चाहते हैं बंद करना तो आप सेम उसी तरह से जाके इसको बंद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।